कंगना रनौत एक बार फिर से विवादों में घिरती जा रही हैं। दरअसल अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, आपने देखा था किस तरह से कंगना ने आज़ादी को लेकर बयान दिया था, आज़ादी को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद काफ़ी बवाल हुआ, काफ़ी प्रतिक्रियाएं सामने आई, कंगना का पूरे देश में विरोध किया गया, कंगना का पुतला तक जलाया गया और उसके बाद अभी वो मामला शांत नहीं हुआ। लेकिन कंगना ने अब एक और नए विवाद को जन्म दे दिया है। दरअसल इस बार कंगना ने गांधी जी को लेकर एक बयान दिया है जो बेहद हैरान करने वाला है। दरअसल कंगना ने गांधी जी को सत्ता का भूखा और चालाक तक बता दिया। आप इससे सोच सकते हैं कि किस तरह से कंगना रनौत बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हैं और कुछ भी लिख देती हैं, कुछ भी वो कहीं भी कुछ बयान दे देती हैं। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से कंगना रनौत ने क्या कभी कोई किताब नहीं पढ़ी या फिर जानबूझकर वो इस तरह के उलझुल बयान देती हैं। अभी हाल ही में आपने देखा था कि किस तरह से कंगना रनौत का पूरे देश भर में विरोध किया गया, पूरे देश भर में प्रदर्शन किया गया। उन्होंने आज़ादी को लेकर बयान दिया था कि 1947 में तो हमें भीख मिली थी, असली आज़ादी तो हमें साल 2014 के बाद मिली है। तो ऐसे में खूब बवाल हुआ, लेकिन अब कंगना ने जो हाल ही में बयान दिया उसको लेकर भी काफ़ी बवाल शुरू हो गया है, तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सीधे तौर पर देखिए, आपको बता दूं, कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा कि स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों को उन लोगों ने अपने मालिकों को सौंप दिया जिनमें अपने ऊपर अत्याचार करवाने वालों से लड़ने की ना तो हिम्मत थी ना ही खून में उबाल। ये सत्ता के भूखे और चालाक लोग थे, ये वही थे जिन्होंने हमें सिखाया अगर कोई एक गाल पर तुम्हें थप्पड़ मारे तो उसके आगे दूसरा गाल कर दो और इस तरह तुमको आज़ादी मिल जाएगी। और इस तरह से आज़ादी नहीं सिर्फ भीख मिलती है, अपने हीरो साझेदारी से चुने। उन्होंने जनता को भी कहा कि आप किसको क्या मानते हैं और अपना हीरो किसको चुनते हैं, ये भी आपको तय करना है। तो आप सोच सकते हैं कंगना जिस तरह से बार बार इस तरह के बयान दे रही हैं और जिस तरह से ये इस तरह की बातें करती हैं, क्या कंगना ने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी या जानबूझकर वो इस तरह की बयानबाजी करती हैं या उन्हें कोई कहता है, ये सबसे बड़ा सवाल। लेकिन अब कंगना ने जो कुछ बयान दिया है उसको लेकर आपका क्या कुछ सोचना है आप हमारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कंगना को लेकर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइए।